उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम 14 जुलाई को होने वाला है। लगभग एक हफ्ते बचे हुए एग्जाम में। अब लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन बहुत मैटर करता है। रिवीजन से आपका लगभग 10 से 20 क्वेश्चन का फायदा एग्जाम में होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर जो इम्पोर्टेंट थीम एरिया है जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज चैनल पर डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके डेफिनेटली उसको देख लीजिए और उन एरियाज को जरूर रिवाइज करके जाइएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पिक्स हैं वो शेयर की जा रही हैं। उनसे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, तो इस रिवीजन क्रम में हम इसमें उत्तराखंड का जो स्पेशल है जीके वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है कि एक तिहाई प्रश्न जो है यूके पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे जाने की उम्मीद है। मतलब 40 से 50 क्वेश्चन उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर और स्पेशल जीके मिला के पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे टाइम में इसका वेटेज जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। इसको लास्ट में जरूर रिवाइज करना होगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही डिस्कस करेंगे। लगभग इस वीडियो से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब पड़ा? 1 जनवरी 2007 को पड़ा। पौराणिक नाम क्या क्या है? केदारनाथ है और मानस खंड है। लंबाई अगर पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो 358 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई अगर देखें तो 320 किलोमीटर है। क्षेत्रफल अगर बात करें तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 1.63% का हिस्सा है। ये डेटा याद हो या ना हो, ये डेटा जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1.63% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। अगर बात करें वर्तमान में राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान कौन सा है, तो 18वां स्थान है। देहरादून इसकी राजधानी है। ठीक है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को भी बनाया गया है। देखें अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों से लगती है, तो उत्तर में तिब्बत चीन से लगती है और पूर्व में नेपाल से, यानी कि 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड की लगती है। प्रमुख नदियां उत्तराखंड में कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, भागीरथी है, अलकनंदा है, काली है। ठीक है, मौसम की बात करें तो 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। ग्रीष्म आपका मध्य मार्च से मध्य जून तक रहेगा, वर्षा मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक रहेगी और शीत जो है मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक रहेगा। प्रशासनिक इकाइयां देखें तो जिलों की संख्या 2023 तक का डाटा है 13, मंडलों की संख्या 2 और नगर निगम आपके हो जाएंगे 9 यानी 9। लोकसभा में उत्तराखंड से 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में उत्तराखंड की 70 सीटें हैं। राजकीय भाषा आपकी हिंदी और संस्कृत है। उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो सम्राट अशोक की लाट तथा उसके नीचे गंगा की 4 लहरें, इसको आप इमेज याद कर लेंगे तो इमेज से ज्यादा चीजें याद रहती हैं। ठीक है, देखो ये आपका सम्राट अशोक की लाट हो गई और 4 गंगा की लहरें ये आपकी बनाई गई हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का सिंबल हो गया। राजकीय पशु की बात करें तो कस्तूरी मृग हो जाएगा, ये रहा फिगर इसका। राजकीय पक्षी आपका मोनाल है। राजकीय पुष्प आपका ब्रह्म कमल है। राजकीय वृक्ष बुरांश है। 2021 में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, तो इस बार राजकीय पुष्प या राजकीय पशु या राजकीय पक्षी में से कोई पूछा जा सकता है। राज्यपाल कौन है इस समय? गुरमीत सिंह है और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में अगर बात करें 2022-23 के आंकड़े के हिसाब से तो आयुर्वेदिक चिकित्सालय 546 है, यूनानी चिकित्सालय 5 है, होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय 111 है। अगर हम बात करें परिवहन एवं संचार की तो 2022-23 के आंकड़े के हिसाब से सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो ग्रामीण सड़कें हैं। ठीक
ठीक है, लगभग 18,933.05 किलोमीटर। ऑर्डर बताने के लिए पूछा जा सकता है तो सबसे ज्यादा जो परिवहन में योगदान है वो ग्रामीण सड़कों का है। दूसरे नंबर पे आपका राज्य राजमार्ग आता है, ठीक है, 5,737.46 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना पूछ लिया जाए तो 2,094.80 किलोमीटर है यहाँ पे। अगर देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान तो 16वां स्थान है, और राज्य से गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या पूछी जाए तो 26 है। बैंकिंग के बारे में देखें 2023-22-23 के हिसाब से, 2021 में क्वेश्चन आया भी था कि सबसे ज्यादा बैंक की कौन सी बैंक की शाखाएं सबसे ज्यादा उत्तराखंड में कम है, ये मिनिमम पूछा था कि कौन सी बैंक की शाखाएं हैं, तो इस हिसाब से आप एक बार ऑर्डर इसको जरूर देख के जाइए। सबसे कम देखा जाए तो जिला सहकारी बैंक है, 10 ही है केवल, ठीक है। क्षेत्रीय, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नंबर आता है 289 है। उसके बाद सहकारी बैंक की शाखाएं आती हैं 301। उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं 1379। और टोटल बैंक की शाखाएं अगर आपसे पूछी जाए तो 2442 है, ठीक है। तो सबसे कम किन बैंक की शाखाएं हैं, जिला सहकारी बैंक की, और सबसे ज्यादा किसकी है, 1379 बैंक की शाखाएं हैं राष्ट्रीयकृत बैंक की। यहां से एक क्रियात्मक जोत का देखेंगे, 2015-16 का जो डेटा है वो देखेंगे, ठीक है। तो सीमांत जोत, इसमें से हम बस इनका डिफिनेशन याद करेंगे। सीमांत जोत किसे कहते हैं, एक हेक्टेयर से कम को हम सीमांत जोत कह देंगे। लघु जोत एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में, अर्ध मध्यम एवं मध्यम जोतों को 2 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच में कहेंगे, और बृहद जोतों की को क्या कहेंगे, 10 हेक्टेयर से अधिक है। तो 4 ये आपके फील्ड हो गए, सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम एवं मध्यम और बृहद जोतें। इनका डिफिनेशन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये कवर करा दिया है। हल्का फुल्का ये देख लेंगे कि उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी खेती की जाती है। तो अनाज के अंदर अगर देखें तो चावल है, गेहूं है, जौ, मक्का, मंडुआ, सावा, अनाज के अंदर इनकी खेती होती है। दालों में देखें तो उर्द, मसूर, मटर, चना हो गया। तिलहन में आपकी लाही एवं सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन हो गया। और बाकी अन्य फसलों में अगर आप देखें तो गन्ना और प्याज की भी खेती होती है, ठीक है। सिंचाई के साधन के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई हो रही है नलकूप से हो रही है 2021-22 के हिसाब से 71.66%, ठीक है। उसके बाद नहर का नंबर आ रहा है, उसके बाद अन्य कुओं का, फिर तालाब का नंबर आता है। वन यम वन जीव वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़े के हिसाब से देखेंगे, प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1% अगर देखें तो 71.05% है। वनावरण के अंदर देखें तो 45.44% है। अति सघन वन 9.45% है। मध्यम सघन वन 23.87% है। और खुले वन आपका हो जाएगा 12.12%। वन जो विहार 7, राष्ट्रीय उद्यान 6 हैं, टाइगर रिजर्व 2 हैं। ये 2022-23 का आंकड़ा है कि आगे चेंजेस हुए होंगे कुछ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक एवं सबसे कम 1% वाले दो जिले, सबसे ज्यादा 1% कहाँ है, नैनीताल में। सबसे कम कहाँ है, उधम सिंह नगर में। सबसे पुराना वन्य जीव विहार आपका गोविंद पशु वन्य जीव विहार उत्तरकाशी 1955 में बना था। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा जाए तो केदारनाथ है। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपका मसूरी वन्य जीव विहार है देहरादून में। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 में आजादी से पहले ही बना था। सांस्कृतिक तत्व में देखते हैं, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली में है। स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है। विनाथेश्वर मेला जो है अल्मोड़ा में है। व्यास ऋषि मेला कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। और बाल सुंदरी मेला कहाँ पे होता है, काशीपुर उद्धम सिंह नगर में। प्रकाश
प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, भगनौल है, थड़िया है, सरो है, हारुल, बुड़ियात, मंडाल, लंगवीर, चौफुला, तांडी, चांचरी, भैला, भैला भैला, सिपैया, लोटा एंड जागर। ठीक है, प्रमुख लोकगीत देखें, चौफुला, झुमैला, बाजूबंद, छोपती, छपेली, छूड़ा, चौमासा, बारामासा, खुदेड़, फूलदई, चैती पसारा, चूरा, जागर, कूलाचार, ये आपके प्रमुख लोकगीत हो जाएंगे। बात करें केंद्रीय विश्वविद्यालय की, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय एक ही है, उसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। प्रमुख शोध संस्थान की बात करेंगे, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हरिद्वार में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड में खनिज के बारे में देखेंगे, तो महत्वपूर्ण खनिज क्या क्या पाए जाते हैं, चूना पत्थर है, लाइमस्टोन जिसे कह सकते हैं, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, सोपस्टोन, फास्फोराइट, बेस मेटल्स, बेराइट्स, सिलिका सैंड, ग्रेफाइट, स्लेट्स, संगमरमर मार्बल्स, जिम्सम। प्रमुख जिलों के मुख्य उद्योग धंधों के बारे में देखेंगे, देहरादून किसके लिए, खाद्य प्रसंस्करण हो गया, जूता निर्माण हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योग, भारी मशीनरी। हरिद्वार जनपद का प्रमुख उद्योग देखें तो ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी मशीनरी, दवा उद्योग, पैकेजिंग सामग्री, वस्त्र उद्योग यूनिट, प्लास्टिक की बोतलें, स्टील, कांच का सामान। उद्धम सिंह नगर जनपद का प्रमुख उद्योग देखें तो खाद्य प्रसंस्करण हो गया, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक, कंटेनर, कांच का सामान और कालीन याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है स्पेशली ये पूछा जा सके। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रमुख उद्योग देखें तो इस्पात बार की इकाइयां हैं यहाँ पे। नैनीताल जनपद का देखें तो बॉटलिंग प्लांट यहाँ पर है आपका। अब बात करते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016-20 के हिसाब से है ये। कुल व्यक्ति की अगर टर्म में बात करें तो 70.6 है वर्ष जन्म प्रत्याशा। पुरुष की बात करें तो 67.5 यानी 67.5% और महिला की बात करें तो 73.9%। ठीक है, जनसंख्या दो के बारे में जानेंगे, उत्तराखंड के विशेष तथ्य क्या क्या हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से ये सारा डेटा है आपका। ठीक है, सकल जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 0.83% है यहाँ पे। ठीक है, स्त्री पुरुष अनुपात लिंगानुपात भी जिसे कहते हैं 963 है। जनसंख्या घनत्व तो देखें तो 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। शहरी जनसंख्या 30.2% है। ग्रामीण जनसंख्या आपकी 69.8% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार अगर गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या की बात करें 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से तो 11.3% जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे निवासित है आपकी। धर्म के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा आपका धर्म जो है हिंदू धर्म के लोग हैं 82.98%, मुस्लिम उसके बाद आता है 13.95%, सिख का नंबर आता है फिर 2.34% और ईसाई 0.38%, बौद्ध हैं उसके बाद 0.15% और जैन है 0.09%। तो सबसे ज़्यादा हिंदू और सबसे कम आ रहा है इसमें, इस जो लिस्ट दी हुई है इसमें जैन आ रहा है। अगर जैन नहीं है ऑप्शन में मिनिमम पूछा जाए तो बौद्ध का नंबर आ जाएगा, और अगर बौद्ध भी नहीं है तो ईसाई का नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको डेटा याद होना। कुल साक्षरता दर देखें तो 78.8%। ये सारे आंकड़े 2011 की
संख्या जनगणना के हिसाब से है आपके। पुरुष साक्षरता कितनी है? 87.4% है। स्त्री साक्षरता दर 70% है। अनुसूचित जाति यानी SC की जनसंख्या का अगर प्रतिशत आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे डेटा तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 18.8% है। और राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देखें तो 2.9% देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, ये आंकड़ा का एक क्वेश्चन इससे भी आने की 1 से 2 संभावना तो रहती ही है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला देहरादून हो जाएगा और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला उधम सिंह नगर हो जाएगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रुद्रप्रयाग, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला हरिद्वार, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला देहरादून, न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला उत्तरकाशी, राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर, राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला उधम सिंह नगर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला देहरादून हो जाएगा। अब एक बार उत्तराखंड तथा भारत के तुलनात्मक संकेतक के बारे में देख लेते हैं। ये डेटा जनगणना 2011 के हिसाब से है। अगर जनसंख्या वृद्धि देखें 2001 से लेकर के 11 के बीच में तो उत्तराखंड में 18.8% की हुई है, भारत में वही 17.7% की हुई है, यानी जनसंख्या वृद्धि उत्तराखंड में भारत से ज़्यादा देखने को मिली है। नेक्स्ट है आपका जनघनत्व की बात करें तो उत्तराखंड की 189 है और भारत में पूरी ओवरऑल देखिए तो 382 है। नगरीकरण उत्तराखंड में 30.2% है, भारत का नगरीकरण 31.1% है, यानी राष्ट्रीय एवरेज से उत्तराखंड में नगरीकरण कम है। लिंगानुपात की बात करें तो 963 है उत्तराखंड में और भारत का है 943। साक्षरता दर की बात करेंगे, कुल व्यक्ति में उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.8% है, भारत की 73% है, यानी साक्षरता दर भी उत्तराखंड की ज़्यादा है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 87.4% है और भारत में पुरुष की साक्षरता दर 80.9% है। स्त्री की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 70% है उत्तराखंड में और भारत में 64.6% ही है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करेंगे तो 18.8% है उत्तराखंड में और भारत में 16.6% है। आगे बात करेंगे कुल जनसंख्या में अनुसूचित जात की जनसंख्या 18.8% उत्तराखंड में, भारत में 16.6%। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजात की जनसंख्या की बात करें तो उत्तराखंड में 2.9 और भारत में 8.6 है। जन्म दर की बात करेंगे उत्तराखंड में प्रति हजार में कुल अगर देखें ग्रामीण नगरीय मिला के तो 16.6 है उत्तराखंड में और भारत में 19.5 है। ग्रामीण की बात करेंगे तो उत्तराखंड में 17% है और भारत में आपका 21.1 है। नगरीय में बात करें तो 15.6 है उत्तराखंड में और भारत में 16.1 है। अब आगे बात करेंगे मृत्यु दर की, ठीक है। मृत्यु दर में कुल देखें तो उत्तराखंड में प्रति हजार में 6.3 है और भारत में 6000, ठीक है। ग्रामीण की बात करें तो उत्तराखंड में 6.7 है, भारत में 6.4 है। नगरीय बात करें तो 5.1 है उत्तराखंड में, भारत में भी 5.1 है। तो यहाँ पे दोनों का सेम हो गया डेटा, ठीक है। शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे कुल उत्तराखंड में 24 और भारत में, ये सारे डेटा प्रति हजार में है, भारत में 28। ग्रामीण में बात करें तो 25 उत्तराखंड में और भारत में 31। नगरीय की बात करें तो 24 उत्तराखंड में हो जाएगा और भारत में 19 हो जाएगा। आगे बात करते हैं जन्म के समय प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा की बात करेंगे, इस पे क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। कुल अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें, ये वर्ष में है डेटा, उत्तराखंड में 70.6% है, भारत का जो है जीवन प्रत्याशा 70 है। पुरुष की अलग से बात करें तो 67.5% है उत्तराखंड में, 68.6% है भारत में। स्त्री की बात करें तो 73.9% है
उत्तराखंड में, और भारत में है 71.4%। ग्रामीण में अगर कुल बात करें तो उत्तराखंड में 70.3% है और भारत में 68.6% है। सॉरी, ये सब डेटा परिषद में नहीं है, हाँ इसको वर्ष में समझिएगा, ठीक है, ये सारे क्या है, वर्ष में है। और नगरीय कुल की बात करें तो आपका 71 वर्ष हो जाएगा और यहाँ पे भारत में 73.2 हो जाएगा सारा डेटा, क्योंकि जीवन प्रत्याशा तो वर्ष में ही निकलेगी ना, तो ये वर्ष में है सारा। अगर गलती से परिषद निकल गया है उसको वर्ष समझ के रखना है, ठीक है। ये देख लेते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, SRS जो बुलेटिन मई 2022 का उसके हिसाब से है ये। औसत जन्म दर 2020 देखें तो 16.6 प्रति हजार जनसंख्या है, ये उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है। ग्रामीण में देखें तो 17 प्रति हजार जनसंख्या की है और नगरीय में 15.6। औसत मृत्यु दर 6.3 प्रति हजार जनसंख्या, ग्रामीण में 6.7 हो गई, नगरीय में आपकी 5.1 हो गई। शिशु मृत्यु दर 2020 में देखें तो 24 प्रति हजार जीवित जन्म पे, ग्रामीण में देखें तो 25 हो जाएगी और नगरीय में आपकी हो जाएगी 24। तो इसी के साथ ही जो मेन मेन चीज़ें थी उत्तराखंड की वो करा दी गई हैं। आई होप इससे आपको 8 to 10 questions देखने को आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार नॉर्मल स्पीड पे देख लीजिएगा, फिर 2x पे आप रिवाइज भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के स्पेशल करंट अफेयर को भी डिस्कस कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।